अपने गांव को छोड़कर शहरों में बसे लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ने और उन्हें शहरों में रहकर उनके देवी देवताओं से मिलवाने और उनका आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्म कमल आर्ट की ओर से ऋषिकेश में भक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भक्ति पर्व में देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। भक्ति पर्व के इस मौके पर ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने व्यस्त समय से समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम की खूब प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा अवसर है, माता का जागरण यहां पर आयोजित किया जा रहा है और इस मौके पर मैं भी यहां पर पहुंचा हूं और गंगा के तट पर आयोजित इस पर्व में लोगों में भी खूब उत्साह देखा जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज बहुत अच्छा अवसर है कि माता का जागरण यहाँ पर हो रहा है और हमें भी इसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। और सर, इस माता के जागरण में जो है खास बात ये है, उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, देव डोलियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज जिस तरीके से अपनी संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, विलुप्त हो रही है, शहरों में भी अब देव डोलियाँ भी हमें नजर आती हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी पहाड़ से आते हैं। पूरा पहाड़ देवमय है, देव भूमि है और हमारी तो जो संस्कृति है नंदा तक की संस्कृति है और वहाँ से जो देव डोलियाँ आ रही हैं गंगा स्नान, क्योंकि गंगा तट पर यह कार्यक्रम हो रहा है, गंगा स्नान करके आ रही हैं, लोगों में बहुत उत्साह मैं देख रहा हूँ और रात भर ये जागरण रहेगा। तो मैं तो सभी लोगों को जो आयोजक हैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसके जो मुख्य आयोजक जो है जो चंद्र सैल कैंतुरा जी हैं, उनका बहुत आग्रह था कि आपको भी आना है, तो यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, देव डोलियाँ आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपने व्यस्तम समय में से जो आपने समय निकाला, क्योंकि आजकल चारधाम यात्रा भी है, इलेक्शन भी है, ऐसे में आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।